क्या हुआ मैडम? हुआ क्या है? दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड तो मेरे ही घर में मेरे सोफे पे बैठ के तू नवाब बन के चाय पी रहा है। तू अपनी औकात भूल गया क्या? तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड की ना औकात भी नहीं होती है कि हमसे पूछे बगैर भी पानी पी लो, और तू मेरे ही घर में बैठ के मेरे ही सोफे पे बैठ के चाय पी रहा है, वो भी मेरे गैर हाजिरी में। पहले तो एक बात बता, तुझे यहाँ पे किसने आने दिया? वो मैडम क्या वो अकर तो देखो कि नवाबों वाली है, तो बैठ के तो चाय ऐसे पी रहा था जिसके राजघराने से बिलोंग करता हो, और औकात तेरी दो कौड़ी की भी नहीं है, समझा? तूने इस कप में चाय पी के ना ये कप गंदा कर दिया, अब ये मुझे कब फेंकना पड़ेगा? तुझे पता भी है कितना महंगा कप है ये? तेरी औकात भी नहीं है इसे खरीदने की, अब ये बता इस कप के पैसे कौन देगा, तेरा बाप? लेकिन मैडम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो मैं तेरे? और ये चाय तेरे को रामू ने बना के दी होगी ना, तुम दोनों का दोस्ताना बहुत बढ़ रहा है, समझा? जो तेरी औकात है ना तू वो कर, और काम करने आया ना यहाँ पे तो काम कर, ना कि नवाबों की तरह बैठ के चाय पी, समझा? मैं भी रामू का भी भूत उतारती हूँ। रामू! हाँ मैडम, आया। हाँ मैम, सब बुलाया। पहले तो ये बता कि तूने किससे पूछ के इस चौकीदार को चाय दी? मैडम ये तो डेली चाय पीते हैं। ओ तो ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है, ये मेरा घर है, दूध चीनी चाय पत्ती ये सब मेरे पैसों से आते हैं, कुछ भी मुफ्त में नहीं है, समझा? जो तू इसे पिलाता रहेगा चाय बना के। पर मैडम मेरी बात तो सुनो। अच्छा अब तो यही रह गया ना कि मैं तेरी बातें सुनूं, सारी गलती ना भैया की है जो तुम जैसे लोगों को ना सिर पे चढ़ा रखा है। और सुन, इस घर में ना मैं आ चुकी हूँ तो एक एक रुपए का ना हिसाब तुम दोनों से लूंगी, और मेरे से पूछे बगैर अगर तूने कुछ भी सामान इधर से उधर किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझा? क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अरे देवर जी, अच्छा वो क्या पा गए, इसे रामू को देखो, ये सिक्योरिटी गार्ड को घर में बुला के चाय पिला रहा है, वो भी सोफे पे। हमारा घर तो धर्मशाला है ना, कि किसी को भी बुला के लाओ बाहर से और यहाँ पे बैठा के चाय पिला दो। भाभी जी, मैंने ही रामू को बोला था ये सब करने के लिए। आपने? लेकिन क्यों? क्यों भाभी जी, तुम्हें पता है ये चौकीदार ना रात भर उठ के ना हमारे सोसाइटी की देखभाल करता है, और हमारा इतना फर्ज नहीं बनता क्या कि इनको एक कप चाय पिला सके? और भाभी जी आपको पता है कुछ दिन पहले ना हमारे सोसाइटी में चोर आ गया था, ये सिक्योरिटी गार्ड ने ना अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्हें पकड़ लिया और थाने में दे दिया, और भाभी जी ये हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हमारा फर्ज नहीं बनता क्या इनको थोड़ा चाय पानी पूछने के लिए? और भाभी जी आपको पता है कोई इंसान ना पैसों से बड़ा नहीं होता, वो इंसानियत से बड़ा होता है, और आपने इस चौकीदार को कितना उल्टा सीधा बोला, आप इनसे माफ़ी मांगिए। हाँ देवर जी, जो मैंने गलती किया मुझे उसका पछतावा है, मैं इनसे माफ़ी मांगूंगी। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको जाने अनजाने में बहुत कुछ बोल दिया, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हम गरीब हैं और गरीब को ना हमेशा दबाया ही जाता है। मैम शिवम भैया ना ये बहुत अच्छे हैं, ये हम अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, इन्होंने कभी भी हमें एहसास नहीं होने दिया कि हम इस घर में नौकर हैं। और मैडम मैंने इन सिक्योरिटी गार्ड को अपने मन से चाय नहीं पिलाई, शिवम भैया ने बोला था तब मैंने इनको चाय पिलाई थी। और भाभी मैं आगे से आशा करता हूँ कि आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। हाँ देवर जी, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे इन लोगों को कभी तकलीफ हो।